वेलकम टू शिक ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.10। लास्ट क्लास में हमने इससे पहले के सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, अगर वो आपको देखने हैं तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो टॉर्क कितना एक्ट करता है डायपोल पे, वो थोड़ा सा हम एक मिनट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल कब, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल कहां पर रखा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। देखो अगर इस तरह से हमें क्या दे रखा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये दे रखा है हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें रखा है एक डायपोल, ये रखा है डायपोल, ये प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर क्या रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अच्छा डायपोल का सपोज सेंटर कहाँ पर आ रहा है, सपोज सेंटर आ रहा है इसका यहाँ पर, ये डायपोल का सेंटर है। तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज से लेके प्लस क्यू चार्ज साइड, ये क्या हो जाएगी हमें डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ये मिल जाएगा हमें पी। अच्छा थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो टॉर्क कितना एक्ट करेगा यहां से, टॉर्क, टॉर्क आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी इंटू ई साइन थीटा। अब पी क्या होता है, पी हमें पता है डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा क्या है यहां पर, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन पी एंड ई, डायपोल मोमेंट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है हमारा, थीटा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है इन्होंने, पी दे रखा है, कितना, 4 × 10⁻¹⁹, 4 × 10⁻¹⁹ कूलम मीटर, ये हमें क्या दे रखा है, डायपोल मोमेंट। फिर क्या बोल रहा है, अलाइन एट ए एंगल 30 डिग्री, तो थीटा कितना दे रखा है यहां पर, थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री दे रखा है, विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब पूछ रहा है टॉर्क ऑन अ डायपोल, टॉर्क ऑन अ डायपोल, डायपोल पर टॉर्क कितना लग रहा है, तो अभी अभी तो हमने फॉर्मूला सीखा, तो कितना लगेगा टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, तो कितना हो जाएगा, पी इंटू ई साइन थीटा, पी कितना दे रखा है यहां पर, पी दे रखा है 4 × 10⁻¹⁹, 4 × 10⁻¹⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 5 × 10⁴, 5 × 10⁴ और साइन 30 डिग्री। बस इनके हमें क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, ये 10⁻¹⁹, ये 10⁴, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 9 + 4, साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, ये 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। अच्छा ये आ गया हमारा 10 × 10⁻¹⁹ कितना आ गया, -5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 × 10⁻¹⁴, ये क्या आ गया हमारा, टॉर्क आ गया, टॉर्क की यूनिट क्या होगी हमारी, टॉर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, ये आ गया हमारा टॉर्क, 1 × 10⁻¹⁴ न्यूटन मीटर, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अगर ये हमारा आपका सॉल्यूशन आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे 1.11, मतलब पूरी एनसीईआरटी को ही हमारा टारगेट है कि पूरी एनसीईआरटी को इसी तरीके से क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है।